वाड़ी में बंद घरों के साथ ही मंदिर भी चोरों के निशाने पर। वाड़ी पुलिस के वाड़ी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण समाप्त होता दिखाई दे रहा है। रात्रि की गश्त व कार्यवाही का दावा खोखला होने का आरोप संतप्त नागरिकों ने लगाया है। दत्तवाड़ी स्थित ओम साई सोसाइटी प्लॉट नंबर 75 निवासी एम के शर्मा अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य के लिए 15 दिन से मुंबई गए हैं। जाने के पूर्व पूरे घर को सुरक्षित रूप में बंद करके गए। लगातार बंद घर को देखते हुए वाड़ी परिसर में सक्रिय चोरों के गिरोह ने रेकी कर इस घर पर धावा करने का नियोजन बनाया। बुधवार मध्य रात्रि दरमियान अज्ञात चोरों ने मुख्य प्रवेश द्वार का ताला तोड़ा तथा घर के प्रमुख दरवाजे का ताला तोड़कर घर में भीतर प्रवेश किया। शयन कक्ष में स्थित अलमारी खोलने का असफल प्रयास सफल नहीं होने इस अलमारी को नीचे गिराया तथा फिर इस अलमारी को काटकर तोड़कर इसमें रखे सोने और चांदी के जेवर, चांदी के बर्तन, 15,000 से अधिक नकदी लेकर भागने में सफल हो गए। सुबह जब स्थानीय नागरिकों को लोहे का प्रवेश द्वार खुला व मुख्य द्वार टूटा हुआ नजर आया, खबर फैलते ही बड़ी संख्या में नागरिक एकत्रित हुए। वाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पहुंचे। घटना का पंचनामा कर फोन द्वारा मुंबई में शर्मा परिवार से संपर्क कर घटना की जानकारी देकर अलमारी में रखी कीमती सामग्री की जानकारी हासिल की। यहां के संतप्त नागरिकों ने बताया कि शायद वाड़ी में कोई संगठित चोरों का गिरोह कार्य कर रहा है जो पुलिस से होशियार व क्रियाशील नजर आता है। पिछले सप्ताह से इस वसाहत में यह तीसरी चोरी है। यहां के हनुमान मंदिर की दान पेटी चोरों ने लूटी जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। पिछले 15 दिन में वाड़ी परिसर में यह 5 से अधिक चोरियों को चोरों ने अंजाम दिया है। गजानन सोसाइटी के संत गजानन महाराज मंदिर के समक्ष हाईटेक कंप्यूटर व पड़ोस के घर में चोरों ने घुसकर यहां रखे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर व अन्य साहित्य चुरा लिए जिसका सुराग भी अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है। आज रात को एम के शर्मा ओम साई सोसाइटी इनके यहाँ पर चोरी हुई है। ये दोनों परिवार अपने बच्चे के पास में मुंबई में गया हुआ है और इस एरिया की ये तीसरी चोरी है। पिछले बार शुभारंभ सोसाइटी ये बाजू की गली में शुभारंभ सोसाइटी से हनुमान मंदिर से दो दान पेटी पेटी की पेटी उठा के लेके गए चोर। एक पेटी उसमें मिली भी है लेकिन अभी तक के आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। इस परिसर में इस साल में कम से कम 7वीं-8वीं चोरी है ये और सभी तरफ कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस का इस चीज़ के ऊपर में कोई ध्यान नहीं है। पेटी जहां पकड़ा गई वहां के अगर छानबीन करते तो शायद आरोपी मिल सकते थे और चोरों का सुराग लग सकता था। दिनों दिन यहां पर चोरियां बढ़ती जा रही है और जो स्लम एरिया है जहां पर हम लोग सोचते थे कि यहां पे गुंडे बदमाश और चोरी चपाटे वाले रहते हैं तो वहां के लोग कुछ नहीं करते, लेकिन जहां अच्छा एरिया है वहां के लोगों ने आजकल वहां के लोगों का रहन सहन क्या बदला पता नहीं। और ये जो दान पेटी जो है मंदिर की वो महादेव नगर के तरफ में वहाँ जंगल में पुलिस वालों को ही मिली। वो दान पेटी फोड़ते हुए जिस गुराखी ने उसको देखा था उन लोगों ने धमकाया चोरों ने दान पेटी फोड़ते हुए और उसने दौड़ते जाकर के सरपंच को बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया। मी रोज इथलं कुलूप लावते देवळाचं आणि सकाळी उघडते तर आज सकाळी मी 7 वाजता उघडायला आली तेव्हा बाहेर चॅनल फक्त लावलेलं होतं, गेट कुलूप गायब होतं, प्लस काय म्हणते बा मी दानपेटी जवळ आलीच नाही, लांबूनच पाहिलं, हरिपाठाचं ते पॅकेट फेकलेलं होतं आणि दानपेटीचं असं उघडलेलंच होतं झाकण दानपेटीचं आणि त्याच्यामधले पैसे पूर्ण गायब होते, कुलूपही गायब होत होते। बुधवार के ही मध्यरात्रि को वाड़ी के चोरों ने पुलिस स्टेशन के सामने शिवशक्ति नगर में स्थित राम मंदिर में भी घुसकर दानपेटी उठाई। स्थानीय निवासी महिला सातपुते इस मंदिर की देखभाल करती है। उन्होंने बताया कि बुधवार की रात को राम मंदिर का ताला बंद किया था। मध्यरात्रि के दरमियान अज्ञात चोरों ने इस मंदिर का ताला तोड़कर प्रवेश किया, पूजा की सामग्री को फेंक दिया तथा दान पेटी को तोड़कर उसमें रखे 1500 रूपए से अधिक नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब आदत अनुसार सातपुते मंदिर खोलने पहुंची तो दान पेटी खुली व नकदी राशि नदारद थी। उसने इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। आसपास के नागरिकों को पता चलते ही खलबली व आक्रोश निर्माण हुआ। 200 मीटर दूरी पर वाड़ी पुलिस को सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया गया जहां नागरिकों ने रोष जताकर तुरंत चोरों को गिरफ्तार करने का आग्रह भी किया। वाड़ी पुलिस का दावा है कि वह रात्रि को गश्त लगा रही है पर चोरी की बढ़ती घटनाएं व चोरों को नहीं पकड़ने से नागरिक चिंताग्रस्त व आक्रोशित दिखाते रहे।
वाड़ी में जाते गिरोह को प्रतिबंधन नहीं लगाया गया तो पुलिस के कार्यप्रणाली से विश्वास उठने की तीव्र प्रतिक्रिया नागरिकों ने देते हुए सुस्त वाड़ी पुलिस को वरिष्ठों ने ध्यान देकर क्रियाशील करने की आवश्यकता प्रतिपादित की। इनबीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।